देखिए, मोटे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं है। कोई भी एक समय था जब कहते थे कि हम मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस लाएंगे, हम सारे कानूनों को खत्म करेंगे, कानून कम से कम करेंगे। और इस सत्र में ही इन्होंने इतने सारे नए कानून बना दिए, इसका मतलब ये बात सही हो गई कि कानूनों की ज़रूरत देश के अंदर होती है, इसीलिए अब आप नए 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 कानून बना रहे हैं, नई नई चीज़ों पर बना रहे हैं। इसका मतलब तब जो आपने कहा वो देश को गुमराह किया। इस वक्त भी कोई विजन नहीं है, किसी भी तरीके से इन मुद्दों को भटकाने के लिए ये नई नई चीजें लाई जाती हैं। एक ये दूसरा बिल कल बयान दिया स्मृति ईरानी को लेकर, उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी की स्मृति ठीक नहीं रही। उन्होंने आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अडानी को जमीन दे रही है, लेकिन राहुल गांधी इसके खिलाफ रहे हैं। स्मृति ईरानी को राहुल फोबिया हो गया है। देखिए, मेरा मानना है कि इस तरीके के भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जब जब गलत बयान दें, इनके ऊपर भी डिफेमेशन के मुकदमे कराए जाने चाहिए। जिस तरह से ये अपने अपने राज्यों में पुलिस का इस्तेमाल करके लोगों को परेशान कर रहे हैं, बाकी राज्यों में इनके खिलाफ जो है डिफेमेशन केस कराने चाहिए, तभी भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलना बंद करेगी। प्रियंका गांधी का के खिलाफ मध्य प्रदेश में कई जगह FIR हुआ है। मामला है कि एक चिट्ठी वायरल हो रही थी 50% कमीशन का की सरकार बताया गया था, जिसमें शिवराज सिंह चौहान को उस मामले में, और वो कंप्लेनेंट भी अब नहीं मिल रहा पुलिस का, एक कहना है। देखिए, मध्य प्रदेश में तो व्यापम घोटाला हुआ था जिसके अंदर सारे गवाह एक एक करके मार दिए गए, एक पत्रकार तक की हत्या कर दी गई। तो मध्य प्रदेश का तो इतिहास है। और भारतीय जनता पार्टी आजकल एक नया प्रयोग कर रही है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के खिलाफ कोई भी शिकायत आती है, ये शिकायतकर्ता को अक्सर गायब कर लेते हैं, डरा देते हैं, धमका देते हैं, कई बार लालच दे देते हैं, और इस तरीके की शिकायत का दूसरे आदमी के ऊपर उल्टा मुकदमा चलाते हैं। ये इनकी नई मोडस ऑपरेंडी है, इस तरीके के प्रयोग ये कई जगह कर रहे हैं। नूह में की जिस यात्रा के बाद, उस यात्रा को फिर से रिज्यूम करने की बात कही जा रही है। कल महापंचायत बुलाई जाती है हिंदू संगठन, उनकी तरफ से कहा गया कि 28 तारीख से फिर से उस यात्रा को शुरू कर रहे हैं। देखिए, अगर किसी भी राज्य में कोई भी धर्म के लोग नफरत और भड़काने वाले बयान दे रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के साफ साफ आदेश हैं कि ऐसे में कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा सरकार को, चाहे कोई भी संप्रदाय के लोग नफरत और हिंसा फैलाने की बात करें, तो उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। शरद पवार लगातार हर कुछ दिन बाद अजीत पवार से मिल रहे हैं, जो अब बीजेपी गठबंधन सरकार का हिस्सा है। कल भी उन्होंने एक मुलाकात की थी और उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जो शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ग्रुप के संजय राउत, उन्होंने कहा कि ऐसी जो मतलब मुलाकातें हो रही है, इनसे कहीं ना कहीं चिंताजनक है और इस पर मतलब क्लियर बात होनी चाहिए, मैं उनसे बात करूँगा। देखिए, तो बड़ा मुश्किल है हमारे लिए कहना कि दो चाचा भतीजे क्यों मिल रहे हैं, क्या बात हो रही है, ये तो वही लोग जानते हैं। हम सब लोग तो सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। आप पॉजिटिव कयास भी लगा सकते हैं, नेगेटिव कयास भी लगा सकते हैं, मगर अभी तो सब जो है कयास ही है। संजय राउत ने प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ती है तो नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं, रायबरेली वाराणसी अमेठी वो जगह है जहाँ पे बीजेपी कमजोर है। मेरे हिसाब से जो नया गठबंधन है, उसके सभी नेता बैठकर सभी सीटों पर चर्चा करेंगे, तय करेंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। एक दूसरा दिल्ली का मुद्दा है, विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है परसों, तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये मात्र 2 दिन का सदन इसलिए बुलाया गया था कि अपना एजेंडा आम आदमी पार्टी रख सके। हम कम से कम 10 दिन के, 1 हफ्ते के सदन की मांग करते जाके दिल्ली की समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए। उनको जो मांग है, उनको स्पीकर साहब के सामने अपनी मांग रखनी चाहिए। अक्सर ऐसा हुआ है कि दिल्ली के अंदर 2 दिन का सदन बुलाया गया, वो साथ साथ 8-8 दिन तक चला है, विधायकों की मांग पे जो है वो आगे बढ़ाया गया है। तो जो भी बात है उनको स्पीकर साहब के सामने रखनी चाहिए। आप लोगों की तरफ से क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं इस बार के विधानसभा सत्र में? देखिए, जनरली तो जो भी ज्वलंत मुद्दे दिल्ली और देश से जुड़े मुद्दे होते हैं, वो जो है वहाँ पे उठाए जाते हैं। वो दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत है, दिल्ली से जुड़े हुए मामलों को उठाने का सबसे बड़ा फोरम है, और वहाँ पे जो है सभी विधायक साथी जो है अपनी अपनी बात रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।